जुग जुग अटल, लोक परलोक दे राखे, तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सिख पंथ दे पावन अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे जुड़ बैठी साध संगत जी, सब तो पहला फतेह प्रवान करो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे तो पहला मेरे बहुत ही सत्कारयोग महंत करमजीत सिंह जी आप जी नूं संबोधन होके गए और असी संत बाबा तेजा सिंह जी जिहड़े अपने दौर दे विच जिथे संसारी विद्या दे विच बहुत वड्डी महारत रखण वाले सन, उखे धार्मिक अध्यात्मक ते रूहानीयत नाल भी भरपूर शख्सियत सन, उन्हां दी याद दे विच जुड़े बैठे हैं। उच्च विद्या हासिल कीती, उच्च विद्या हासिल करके उन्होंने कोई नौकरी करने तरजीह नहीं दिती। आम तौर दे उते साडा दुनियावी लोगों का एम हुंदा है कि उच्च विद्या हासिल कर ली, हुण चंगी नौकरी मिल गई, शादी हो गई, परिवार पालना है, बच्चे पढ़ाने ने, लिखाने ने, कामयाब करने ने, यह मकसद हुंदा है। पर संत तेजा सिंह जी ने उच्च विद्या प्राप्त करके कोई नौकरी करने तरजीह नहीं दिती। बड़िया वड्डिया वड्डिया पदवियां उन्हां वास्ते अवेलेबल सन, पर उन्हां सारियां वड्डिया वड्डिया पदवियां नूं ठोकर मार के उन्होंने सिख पंथ के प्रचार ते प्रसार की जिम्मेवारी जिहड़ी है वह निभाउण दा जिहड़ा सी वह उद्देश अपना मिथ लिया। अमेरिका गए, यूएसए दे विच स्टॉकटन गुरुद्वारे दे विच उन्होंने सिखां नूं लामबद्ध किया, प्रचार किया सिखी का, गदरी बाबियां वास्ते जमीन तैयार की जिन्होंने बड़ा वड्डा योगदान पाया इस मुल्क नूं आज़ाद कराउण दे विच, भुलाया नहीं जा सकता। गदरी बाबे सिख योधे सन, कम्यूनिस्ट नहीं सन, वो सिख योधे सन, वो धर्मी पुरख सन जिन्होंने आ के इस धरती दे उत्ते लड़ाई लड़ी। इत्थे ही बस नहीं है, जिवें महंत करमजीत सिंह जी कह के गए ने, उन्होंने एजुकेशन देन लई अपनी कौम नूं कमर कसा कसिया, जिहदा नतीजा अज देख रहे हो, किन्नियां अकाल अकैडमियां यूनिवर्सिटियां जिहड़ियां ने कलगी ट्रस्ट वल्लों चलाईयां जा रही। उन्होंने बेबाक हो के सिखी का प्रचार प्रसार किया, कौम के बच्चों नूं एजुकेट करन दे लई वड्डे वड्डे जिहड़े है वह कार्ज करने पर आरंभ किए कर दिते, या कह दिए वड्डे वड्डे कार्जां की शुरुआत कर दिते। अज जो असीं अपने आले दुआले झात मारदे हां बड़ा बेचैनी का आलम जिहड़ा है वह महसूस हुंदा है, झूठ जिहड़ा है वह चमक रहा है। इसलिए नहीं चमक रहा कि झूठ जिहड़ा है वह बहुतात गिणती दे विच है जां झूठे बहुतात गिणती दे विच है, बल्कि इस करके चमक रहा है क्योंकि सच की गल करन वाले, सच का पल्ला फड़न वाले, या सच का पैरव पख करन वाले जिहड़े ने वह इस करके खामोश हो गए ने कि सोशल मीडिया दे विच अज चिकड़ चुटिया जा रहा है कि साढ़े ते छिट्टे ना डिग पैण, कि साढ़े ते छिट्टे ना डिग पैण, इस करके बोलना जिहड़ा है वह बंद कर दिता। बार बार ये गल कही है कि जिहड़ा सोशल मीडिया है ये एक फेक वर्ल्ड है, फेक जगत है, संसार है झूठा, ते जे असी खामोशी धारण कर ली तो फिर कहिंदे आ ना कि जे गड्ढा चिकड़ च खुभिया होवे ते उहनूं कढ़न वास्ते फिर चिकड़ दे विच उतरना पैंदा, ते चिकड़ दे छिट्टे जिहड़े आ उह पैंदे ही पैंदे हुंदे आ। ते जे असी कहीए कि असी गड्ढा भी निकलना चाहिए पर साडे चिट्टे कपड़िआं दे उत्ते कोई चिकड़ दा दाग ना पै जाए, दाग ना लग जाए, होर कोई आ के कढ़े, तो यह संभव नहीं है। सतसंग जी अज जरूरत है असी बाणी की गल करिए, जरूरत है असी बाणी की गल करिए, जरूरत है असी सिख सिद्धांतों की गल करिए, जरूरत है असी अजोके संदर्भों की गल करिए,
असी गुरमत दे सरोकारां दी गल करिए। इहो ही संत बाबा तेजा सिंह जी ने अपने समय दे विच कीता सी। उन्होंने बीज बूजिया ते अज फल जिहड़ा है कलगीधर ट्रस्ट बड़ू साहिब वल्लों चलाईआं अकैडमियां ते यूनिवर्सिटियां जिहड़ियां ने असी प्रतख देख रहे हां। मैं भी इस गल की प्रोड़ता करदा कि अज एजुकेशन की सब तो वड्डी जरूरत है, पर मैं इन्नी गल जरूर कहांगा कि स्कूलां कालजां यूनिवर्सिटियां का अज दुनिया भर के जाल बिछिया है। करोड़ों बच्चे जिहड़े उन्होंने विच पढ़ रहे हैं, पर नैतिकता जिहड़ी है वह खंभ ला के उड गई है। जिहड़ी मॉरल एजुकेशन है वह समाज के विचों मनफी हो गई है, धार्मिक विद्या जिहड़ी है उन्हों बाहर कढ़ दित्ता है। पछम दे विच इह कह के धार्मिक विद्या नूं जिहड़ा है वह एजुकेशन सिस्टम चों बाहर कढ़ता कि धार्मिक विद्या जिहड़ी है यह मनुख की तरक्की दे राह दे विच रोड़ा बणदी है। ठीक है, धार्मिक विद्या जिहड़ी है वह एजुकेशन पॉलिसी दे विचों बाहर हो गई, तरक्की भी बहुत की मनुख ने, पर नैतिक सिक्ख्या नैतिक निजम ये सारे जिहड़े सी वह खत्म हो गए। अज रिश्ते तार तार हो गए, रिश्ते लीर लीर हो गए, सहनशीलता जिहड़ी है वह खत्म हो गई है, उड पुड गई है, नफरतां ने उहदी जगह मल लई है, ईरखा जिहड़ी है घर घर गई है। ये सारा इस करके होया क्योंकि साडी एजुकेशन पॉलिसी दे विचों धर्म की विद्या जिहड़ी है उहनूं असीं भी मनफी कर दिता पछम वल वेख वेख के जां पछमी तर्ज दे उत्ते। ते जे असीं धर्म का अध्ययन भी किया तो असी पछम दियां जिहड़ियां सुझाईयां टैक्नीकां सी उहनां दे आधार दे उत्ते करना शुरू करता, जिहदा कारण जिहदा नतीजा ये निकलिया कि नास्तिकता जिहड़ी है वह ज़्यादा फैल गई। अज जरूरत है कि असी एजुकेशन देईए अपने बच्चों नूं, और धर्म की विद्या जिहड़ी है धर्म की एजुकेशन जिहड़ी है ये भी नाल नाल जरूर देईए। धर्म की एजुकेशन जिहड़ी है सब तो पहला घरे बच्चे के माँ बाप नूं ही बच्चे नूं देनी जिहड़ी है वह प्रारंभ कर देनी चाहीदी है। बच्चों को गुरद्वारा साहब लैके आओ, पता लगे मत्था किवें टेकना है, लंगर च किवें बैठना है, पंगत दे विच किवें बैठना है, संगत दे किवें विच किवें बैठना है। अपनियां जिहड़ियां साडियां ये विरासतां ने ये साडे लई किन्नियां जरूरी ने, किन्नियां अहम ने, असीं इहनां दी संभाल किवें करनी है ये असीं अपने बच्चों नूं दसीए, बाणी नाल बच्चों नूं जोड़िए, बाणी नाल बच्चों नूं जोड़िए, फिर ही असीं लोक सुखी ते परलोक सहेला कर सकांगे। बहुत सत्कारत हस्तियां बैठिया ने, बाबा दविंदर सिंह जी बैठे ने, बाबा काका वीर सिंह जी बैठे ने, सत्कारयोग सिंह साहिब भाई रणजीत सिंह जी जिन्हां ने शाम दे दीवान दे विच आप जी नाल विचारां सांझियां करनियां ने वह भी हाज़र ने, बाबा जोगा सिंह जी वह भी इस समागम दे विच अज हाज़र ने, ते महंत करमजीत सिंह जी आप जी नूं संबोधन होके गए ने। मैं सारिआं दा ही दिल दीआं गहराइआं दे विचों धन्नवाद करदा। असीं जिन्हां महापुरखां दी याद दे विच जुड़े बैठे हैं उन्हां ने जो कार्ज किए असी उन्हां नूं समझण दा यतन करिए, उन्हां वर्गे नहीं बन सकते लेकिन उन्हां दे पाए पूर्णियां दे उत्ते चलण दा जरूर यतन करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।